अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं अधिकारी से बात करूँ। 3 घंटे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, पर अभी तक किसी प्रशासन के पास कोई अभी तक कोई जवाब नहीं है आने के लिए। तो ये सिद्ध होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जब ये अधिकारी सामने नहीं आ पा रहे। आज तो सामने जवाब दीजिए ना। संगठन छात्र संगठन यहाँ पे बैठा हुआ है, वो इतने बड़े हॉस्टल में आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, फिर आप अपने आप में समझदार बन रहे। है ना, जाओ आप बुला के लेके आओ। कौन अधिकारी है? अधिकारी को बुला के लाओ। वो अधिकारी मौजूद नहीं रहता तो यहाँ कोई जिम्मेदार है उसका? कितनी बजे और यहाँ पे आप हाथ में ज्ञापन लेके बैठे हो, सारे विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, क्या समस्या आ गई कि आपको ज्ञापन हाथ में लेके बैठना पड़ा? हम लोगों को ये समस्या है कि यहाँ अधिकारी कोई भी नहीं है अभी तक यहाँ बैठा। हम लोगों ने सुबह भी सूचना देने की कोशिश करी है, 3 दिन से लगातार सूचना दे रहे हैं कि मिलके एक बार बात तो हो जाए कि क्या विषय है पूरा। अधिकारियों से बात करना चाह रहे तो अधिकारी फोन बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार तो कराया, जब भी उन्होंने फोन बंद कराया तो विद्यार्थी परिषद उसी मांग को लेके आज आंदोलन कर रही है। जब तक यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता है, हम लोग यही बैठे हैं आराम से। अभी देखने हमारा पानी भी गिर रहा है, पानी भी गिर रहा है, पानी में बैठे ही हम सब लोग आपके सामने सभी। अगर पानी गिरेगा और अधिकारी नहीं, फिर बैठे रहेंगे? फिर भी बैठे रहेंगे हम आज, जब तक कोई अधिकारी नहीं आएगा जब तक हम यही बैठे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? गौतम पंचोली। मांग क्या है? हम मांग यही चाहते हैं कि जो ठेकेदार अधिकारी इसमें सम्मिलित है, इस भ्रष्टाचार में उन सभी पर कार्रवाई आ जाए। किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था इसमें? जो हॉस्टल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, कलर पेंटिंग के नाम पे, दरवाजों के नाम पे, उसका विषय है पूरा। ठीक है, आपका नाम? गौतम पंचोली, एबी। अब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर अगर अभी जाते हो तो वहाँ पे जब भोजन की बात है तो भोजन में दाल की जगह पीला पानी मिल रहा है, टाइम पे भी नहीं आ रहा है। फोन लगा के बोल रहा है आज बात हुई, फोन बंद कर दिया, बोला फोन अभी टाइम नहीं रहे और भोजन में खाते ना हो गया। छात्रावास्तल से है ना, अभी पेपर में पढ़ा के होगा। श्रीमान जिला कल्याण विभाग देवास मध्य प्रदेश। आप ये कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे थे, क्या मामला है?
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर देवास आज अपने जो मुजुर्ग में भी 3 दिन पहले पता चला है हम लोगों को कि जो हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ थी, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कलर प्रिंटिंग के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, दीवारों में दरारें आ गई है, जिससे कि वहाँ की छात्राएँ जो हैं वो असुरक्षित है। तो जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जो सम्मिलित अधिकारी है अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और ठेकेदारों की कार्रवाई हो। किस तरह का काम हुआ वहाँ पे? वहाँ पे पहली बारिश हुई और पूरा कलर साफ हो गया है। एक ही बार का पहला जो कलर है वो पहली बार साफ हो जाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आंधी की तरह आना और तूफान की तरह जाना, ऐसा वो कलर हुआ है। दरवाजे की अभी आप बात कर रहे हैं, दरवाजे की स्थिति में दरवाजे जो जर्जर हो चुके हैं उनमें लकड़ी लगाई जा रही है, लकड़ी लगाकर उनको वापस कर रहे, जो कि सरकार ने एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बोलती है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए हम आगे बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी एवं ठेकेदार ऐसे काम करेंगे तो उन छात्र छात्राओं क्या आगे अग्रसर होंगे वो काम करेंगे। ठीक है, आपका गौतम पंचोली, विभाग संयोजक देवास।